और लूट जैसी वारदातों से जनता में कहीं ना कहीं भय का माहौल जरूर बना हुआ है। वहीं पुलिस भी बदमाशों की धरपकड़ को लेकर दबिश और छानबीन कर रही है। इसी कड़ी में पिछले दिनों उसरगांव बस स्टैंड पर बाइक सवार बदमाशों द्वारा फिल्मी स्टाइल में यात्री से मोबाइल छीनने का मामला सामने आया था, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई थी। वहीं मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मोबाइल छीनने वाले बदमाशों को मोबाइल सहित गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से देसी तपंचे और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। देखिए, ये प्रकरण थाना कालपी का है। थाना कालपी में उसरगांव बस स्टैंड से एक मोबाइल की स्नैचिंग हुई थी, उसी संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों लोगों का नाम क्रमशः बीरू अहिरवार, संजय कुमार गुप्ता, शिवम अहिरवार, ये तीनों थाना औरई क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ की गई तो जो ज्ञात हुआ है उसमें इन लोगों ने घटना उसरगांव बस स्टैंड की घटना स्वीकार की है। साथ ही साथ इन लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले इन लोगों ने एक मोटरसाइकिल VHF डिलक्स भी चोरी की थी, तो उसको भी बरामद कर लिया गया है। और जब ये पकड़े गए हैं तो इनके कब्जे से एक तमंचा भी बरामद हुआ है, तो आर्म्स एक्ट के तहत भी मुकदमा कायम किया गया है। उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें जो वीरू अहिरवार है, इस पर पहले भी मुकदमे रहे हैं, इसने पहले भी मोबाइल छीनती की घटनाएँ की हैं। और जेल में रहने के बाद जब ये बाहर आया तो उसके बाद ये मऊ चला गया था, जैसा कि इसका कहना है, और उसके बाद जब ये वापस लौटा है तो फिर इसने छीनती की घटना कर दी गई है। इसी संबंध में मुकदमा थाना कालपी पे पंजीकृत भी है और इन तीनों लोगों को बरामदगी के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा जाता है।